Hi kids, welcome back to Study Magic. How are your studies going on? If you are getting bored while studies, then I am here to make your study very interesting. So today, with that interest only, we are going to study our second chapter, The Plant Fairy. Come on, let's get started. So kids, in this chapter, what we have is, we have five children. हमारे पास पांच बच्चे हैं जिनके नाम मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं already. So let's take a look. First one is दीदी. दीदी is not a name. दीदी किसी का नाम नहीं है, बस ये जो दीदी है, she is a bit elder than these four children. तो इनको सब बच्चे नाम से ना बुलाकर दीदी बुलाते हैं. जैसे कि हमारे आसपास जो हमसे बड़ी बड़े बच्चे होते हैं या फिर बड़ी लड़कियां होती हैं, उनको हम दीदी कहकर बुलाते हैं. एंड बॉयज़, जो लड़के होते हैं, उन्हें हम भैया कहकर बुलाते हैं. सो इन दीज फाइव किड्स, वन इज़ दीदी एंड देर आर टू गर्ल्स एंड टू बॉयज़. नेम ऑफ टू गर्ल्स आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज़ अमू एंड सेकेंड वन इज़ शबनम. दीज टू आर गर्ल्स एंड टू आर बॉयज़, दयाराम एंड माइकल. सो बेसिकली दीज फाइव चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क. वो लोग कहाँ जाते हैं, एक दिन वो लोग पार्क में जाते हैं. जब वो लोग पार्क में जाते हैं तो फिर वो लोग दो गेम्स खेलते हैं. वट वॉज द नेम ऑफ दोज टू गेम्स? ओपन अप योर बुक्स एंड टेल मी. यस, द नेम्स ऑफ द टू गेम्स आर हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी. बट दे गेट रियली बोर्ड व्हाइल प्लेइंग दीज टू गेम्स, सो दे डिसाइड टू प्ले अ न्यू गेम. इन दोनों गेम्स को खेलकर वो थोड़े बोर हो जाते हैं, तो डिसाइड करते हैं कि हम आज कोई एक नया गेम खेलते हैं. वॉट वॉज दैट न्यू गेम? द नेम ऑफ दैट न्यू गेम वॉज द प्लांट फेरी. किड्स, वट हैपन्स इन दिस गेम ऑफ प्लांट फेरी? इन दिस गेम प्लांट फेरी सिट्स इन बिटवीन एंड शी विल कॉल आउट अ नेम. वो एक नाम पुकारेंगी और बाकी के जो बच्चे होंगे उन्हें उस नाम को, उस चीज़ को टच करना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लांट फेरी दैट मीन्स दीदी, शी सिट्स इन बिटवीन एंड शी आस्क्स ऑल द फोर चिल्ड्रन टू टच एनी प्लांट. प्लांट फेरी उन्हें ऑर्डर करती हैं कि आप चारों को जल्दी से एक प्लांट को टच करना है. तो हमारे पास फोर किड्स थे, अम्मू, शबनम, दयाराम एंड माइकल. ये चारों अलग अलग प्लांट्स को टच करते हैं. नाउ वी विल सी द इमेजेस ऑफ दोज फोर प्लांट्स. सो फर्स्ट, अमू टचेस द मारीगोल्ड प्लांट. नाउ सी द इमेज ऑफ मारीगोल्ड प्लांट. नाउ शबनम टचेस द जैस्मिन प्लांट. नाउ सी द इमेज ऑफ जैस्मिन प्लांट. Dayaram touches the neem tree and Michael touches the mehndi bush. See the image of mehndi bush. Now kids, Didi says, अब दीदी आगे क्या कहती हैं? Very good kids, आप सभी ने एक एक प्लांट को टच किया, बहुत अच्छा किया. लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस की है? Have you noticed something that all the plants are different from one another? इसका मतलब कि एक प्लांट जो होता है वो दूसरे से बिल्कुल अलग होता है. अलग कैसे होता है किड्स? अलग ऐसे होता है कि एक प्लांट पे दूसरे लीव्स होती हैं, दूसरे प्लांट पे दूसरी लीव्स होती हैं. हो सकता है कि उन दोनों का कलर डिफरेंट हो सकता है कि उनका साइज डिफरेंट हो सकता है कि उनकी शेप्स डिफरेंट हो. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डाइवर्सिटी इन प्लांट्स. डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग चीज़ें. तो आज हम उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे. नाउ व्हाट हैपन्स इन द चैप्टर? दीदी उन्हें कहती हैं, बच्चों आपने देखा कि सारे प्लांट्स एक दूसरे से कितने अलग थे? एंड नाउ शबनम सेज, शबनम एक गर्ल है, हमें पता है शबनम. तो शबनम कहती है, दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन द प्लांट्स. अब आप इमेज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, दीदी जिस प्लांट्स पर बैठी हैं उन प्लांट्स को हम क्या कहकर बुलाएंगे? किड्स, दीदी जिन प्लांट्स पर बैठी हैं उनको हम ग्रास कहकर बुलाएंगे.
That means grass are also a kind of plants. Grass जो होती हैं वो भी हमारी एक तरह की पौधे ही होते हैं. Kids, now the game started again. अब दोबारा से गेम स्टार्ट हो जाता है. प्लांट फेयरी फिर से कुछ टच करने के लिए बोलती है चारों बच्चों को. Now this time, plant fairy asks the children to touch the tree which has a thick, यानी कि मोटी, और a thin trunk. Thick और thin trunk किसे कहते हैं? Thick यानी कि मोटा, thin यानी कि पतला. अब जो tree होता है उसका एक brown part होता है which is a standing part of the tree. देखा होगा आपने जब हम tree की image बनाते हैं कैसे बनाते हैं kids? हम ऐसे ऐसे बनाते हैं and then we put on the leaves over it. But ये जो straight part होता है that is the trunk, T-R-U-N-K. इसको हम tree trunk कहते हैं. तो अब plant fairy क्या order करती है kids? Plant fairy order करती है कि आपको tree trunk को पकड़ना है या उसे touch करना है which is either thick, या तो वो मोटी हो या तो वो पतली हो, आपको बस उसे touch करना है. तो अब जो बच्चे होते हैं वो फिर से दौड़ लगाते हैं और वो ढूंढते हैं ऐसे ट्रीज जिनके पास थिक या फिर थिन ट्रंक होती है. तो किड्स इधर उधर भागने लगते हैं और वो ढूंढ लेते हैं ऐसे ट्रीज जिनके पास थिक या थिन ट्रंक होती है. एंड नाउ देयर इज वन क्वेश्चन गिवन दैट हैव यू सीन एनी सच प्लांट विच हैज़ as thick trunk as given in the picture. इसका मतलब ये है कि जो picture में आपको thick trunk दिखाई गई है क्या आपने real में कभी ऐसा कोई tree देखा है? तो इसका answer क्या होगा kids? मोटी यानी कि thick trunk वाला एक tree होता है whose name is banyan tree. See the image of banyan tree? बैनियन ट्री, इसकी जो ट्रंक होती है वो काफ़ी मोटी होती है, थिक होती है. नाउ व्हाट हैपेंस, माइकल फाउंड दिस गेम वेरी इंटरेस्टिंग. माइकल को इस गेम में बहुत ही मज़ा आने लग जाता है. तो वो क्या करता है, वो कहता है यार ये तो बहुत अच्छी बात है, प्लांट फेरी जो बन गया वो तो बैठकर ऑर्डर करेगा और बाकी सब भागते रहेंगे. सो नाउ माइकल कहता है कि भाई मुझे अब प्लांट फेरी बनने दो, मैं आप सबको ऑर्डर करूँगा एंड यू ऑल हैव टू रन एंड फॉलो माय ऑर्डर्स. तो फिर सब लोग हंसने लग जाते हैं कि अरे ये तो बॉय है और ये प्लांट फेरी बनने की बात कर रहा है. तो फिर दीदी कहती हैं नो प्रॉब्लम, सब बच्चों को इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए. तो दीदी उसको प्लांट फेरी बनने देती हैं. And now Michael says, get me some leaves quickly. Michael उनसे कहता है कि मुझे आप कुछ पत्तियाँ ला कर दो. पर दीदी उन्हें कहती हैं कि nobody has to pluck the leaves. किसी भी बच्चे को लीव जो है वो तोड़नी नहीं है. तोड़ने का मतलब क्या होता है, हम उस प्लांट को हर्ट कर रहे हैं. हमें कभी भी फ्लावर्स को या फिर लीव्स को प्लक नहीं करना चाहिए. तो दीदी बोलती हैं आपको सिर्फ उन्हीं लीव्स को उठाना है जो कि पहले से टूटकर नीचे गिर गई हैं. सो ऑल द चिल्ड्रन रैन एंड दे गैदर्ड द लीव्स. एंड नाउ चिल्ड्रन ऑब्जर्व, वो लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो ट्रीज़ की जो लीव्स हैं या फिर प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो सारी लीव्स भी काफ़ी डिफरेंट होती हैं. कैसे कैसे डिफरेंट होती हैं वो? किड्स, लीव्स आर डिफरेंट इन मैनी वेज. बेसिकली दे आर डिफरेंट इन कलर्स, या तो उनके कलर्स अलग अलग हो सकते हैं. सेकेंड कम्स द शेप्स, या तो उनकी शेप डिफरेंट हो सकती है. एंड थर्ड कम्स द मार्जिन्स. मार्जिन्स आई एक्सप्लेन. सो फर्स्ट कम्स द कलर्स, या तो वो रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, बहुत सारे कलर्स के हो सकते हैं. एंड दे कैन ऑल्सो हैव पैचेज ऑन देम. You can also see leaves that have patches. Come on, look at the image. Now kids, second part comes the shapes. Shapes बहुत ही important होती हैं. Leaves की shape जो है वो भी different हो सकती है. ज़रूरी नहीं है leaves की shape हमेशा ये ही वाली होगी. This is the basic shape of leaves जो हमें बचपन से सिखाई जाती है. But now there are different shapes of leaves. फर्स्ट वन इज़ राउंड. सी द राउंड लीव. राउंड यानी कि गोल. ऐसी भी लीव्स होती हैं जो बिल्कुल गोल दिखाई देती हैं. लुक एट द इमेज. सेकेंड इज़
लॉन्ग, ऐसी भी लीव्स होती हैं जो काफ़ी लॉन्ग यानी कि लंबी होती हैं. लुक एट द इमेज ऑफ लॉन्ग लीव्स. नाउ कम्स द ट्रायंगुलर. ये बहुत ही प्यारी दिखती हैं. ट्रायंगुलर कलर, ट्रायंगुलर शेप की भी लीव्स होती हैं. दे लुक रियली गुड. यू कैन लुक एट द इमेज राइट हियर. नाउ थर्ड वन इज मार्जिन. इसमें हम क्या देखते हैं, कुछ लीव्स जो होती हैं उनकी साइड्स जो होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, और कई लीव्स की जो साइड्स होती हैं दोज आर अनइवन. इसका मतलब वो एक सार नहीं होती. लुक एट द इमेज ऑफ स्ट्रेट लीव्स. आप इनके जो साइड्स हैं, इनके जो कॉर्नर्स हैं, इन्हें ध्यान से देखिएगा. मैंने यहाँ पर एक इमेज भी बनाई है, आप ये भी देख सकते हैं. दिस इज़ बेसिकली अ स्ट्रेट लीव एंड द अनइवन लीव लुक्स लाइक दिस. इसकी जो आप साइड्स देख रहे हैं ये बिल्कुल भी इवन नहीं है, कोई ऊपर जा रही है कोई नीचे, ज़िगज़ैग फॉर्म में है. सो दिस इज़ अनइवन एंड दिस इज़ स्ट्रेट. नाउ किड्स, व्हाट हैपन्स, अमू एंड शबनम दे बोथ से दैट दीदी वी बोथ ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम प्लांट फेयरी. अब माइकल ने जब प्लांट फेयरी का रोल प्ले किया तब उन दोनों को बहुत अच्छा लगा, तो उन दोनों को भी प्लांट फेयरी बनना था. बट द टाइम वॉज अब टाइम घर जाने का हो चुका था. तो दीदी कहती हैं कि टाइम्स अप, अभी हमें घर जाना पड़ेगा, बट नेक्स्ट संडे अब दोनों को प्लांट फेयरी बनने का मौका ज़रूर मिलेगा. सो किड्स, दैट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. यू कैन ऑल्सो प्ले दिस गेम विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर फैमिली. I am going to play this game with my family. Would you? So kids, we are done with the part 1 of Plant Fairy, and part 2 we'll do in next class. Till then, we have to do Building Vocab. Building Vocab is a small game in which I will tell you one English word and its meaning and one sentence with this word. And what you have to do is, you have to make 5 sentences out of it and comment them in the comment section below, which I am going to check, and I am going to announce the winner whose 5 sentences are going to be right. Okay, so let's start. The word is grab. Grab ka matlab kya hota hai? Kheechna ya fir pakadna. So basically our sentence is, let me just grab my chair. Let me just grab, G-R-A-B, grab my chair. आप इसे अपनी डे टू डे लाइफ में भी इजीली यूज कर सकते हैं. जैसे कि आप किचन में गए, मम्मा लेट मी जस्ट ग्रैब अ नाइफ, लेट मी जस्ट ग्रैब अ ग्लास ऑफ वाटर, और जस्ट ग्रैब अ पाई. तो this was the word, and please do your homework on time. Please comment in the comment section below the 5 sentences about the word grab, and I am going to announce the winner very soon. Thank you so much for watching the video. Stay tuned for part 2 of the Plant Fairy.